हे एवरीवन, वेलकम टू नेहा वी व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन करी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया चिकन 250 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी और छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद सबसे पहले मैं हम लेते हैं फ्लेम ऑन करके कढ़ाई। उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, फिर मैंने डाला है तेज़पत्ता, फिर मैं ले रही हूँ लौंग थोड़ा सा। इसे अच्छे से भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें चिकन, और चिकन को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, और मिक्स करने के बाद ना लगभग इसे मैं 5 से 7 मिनट तक ढककर इसे पकाना है सिम में। उसके बाद देखिए ये इसका जो पानी होता है ना चिकन का, वो बाहर आने लग गया है, मतलब पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। जैसे इसका पानी जो जितना पानी है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद ना चिकन में जितना भी ऑयल होता है ना वो जो आउट होने लग जाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए चिकन बहुत अच्छे से पक चुका था, लगभग 7 मिनट लगे थे इसे पकने में। उसके बाद मैं इसे ऑयल को अलग करके बहुत अच्छे से जो फ्राई चिकन अलग से एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, अदरक और लहसुन है वो मैंने छिलके लिए थे थोड़े से। उसके बाद मैं बना लूँगी इसका अच्छा सा पेस्ट, जिसे मैं ग्राइंड करके बना रही हूँ। देखिए ये रेडी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े टमाटर, उसका भी मैं पेस्ट रेडी कर दूँगी। देखिए आप देख सकते हैं, अब मैं उसी ऑयल में फिर से मैंने जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और प्याज का, वो मैंने डाल दिया। इसे अच्छे से पकाना है। उसके बाद पकने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट, फिर मैं डाला है मैंने नमक, नमक के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढककर पकाना है। देखिए पकने के बाद मैंने तुरंत चिकन भी ऐड कर दिया था, और चिकन ऐड करने के बाद देखिए मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ कितना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी। अब इसे मैं लगभग 5 मिनट हमें लगेंगे, क्योंकि 5 मिनट तक पकाएंगे तो जितना भी मसाला है ना वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए पूरा ऑयल जो है ना आउट हो चुका है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसे मैंने कवर करके पकाया था अच्छे से लगभग 5 मिनट बस। उसके बाद मैं इसमें एक गिलास के आसपास मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं इसे तरी वाला बनाना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं मसालेदार चिकन खाना तो फिर इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा। तो देखिए इसे लगभग ना उबाल आने तक थोड़ी देर में 3 से 5 मिनट बस लगेगा। देखिए थोड़े थोड़े उबाल आते तक ना इसमें ऑयल जो है पूरा आउट होने लग गया, ऊपर दिख रहा है आपको ऑयल तैरते हुए। अब देखिए इसका ऑयल पूरा बाहर आ चुका है, और ये पूरा पक के रेडी भी हो चुका था। मैं इसमें थोड़ा सा मेथी है ना, ड्राई मेथी, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने डाला था इसमें। अब देखिए मैं कर दी हूँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था मैंने यहाँ पर, और चिकन जो है बिल्कुल रेडी था इसके तरीके साथ, बहुत ही टेस्टी था। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।